अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने सुक्खू सरकार पर लगाए हाटी समुदाय से भेदभाव के आरोप। मोदी सरकार द्वारा हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिए जाने को बताया क्षेत्रवासियों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि। हिमाचल में कांग्रेस द्वारा सत्ता संभालने के बाद लगातार हाटी समुदाय को एसटी स्टेटस में अड़ंगा डालने की कोशिशों को जनहित से खिलवाड़ बताया। संग्राम में अनुसूचित जनजाति मोर्चे की बैठक में बूथ स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाए जाने को लेकर चर्चा की। बतौर एसटी मोर्चा अध्यक्ष पहली बार सिरमौर के दौरे पर पहुंचे अनिल ढकोग। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल ढकोग ने आज विश्राम गृह परिसर संग्राम में मोर्चा की रेणुकाजी मंडल इकाई की बैठक ली। बतौर एसटी मोर्चा अध्यक्ष पहली बार सिरमौर व संग्राम पहुंचे अनिल ढकोग का कार्यकर्ताओं ने गर्म जोशी से स्वागत किया और उन्हें शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित भी किया गया। बैठक की अध्यक्षता मोर्चा की स्थानीय इकाई के अध्यक्ष रणजीत चौहान ने की और संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप सिंघटा, सिरमौर जिला इकाई के अध्यक्ष राजेंद्र घूड़ी, गगन ठाकुर व सुरेंद्र तोमर सहित दर्जन भर पदाधिकारियों ने इस दौरान मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बैठक में अनुसूचित जनजाति बहुल इस इलाके के बूथ स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाए जाने व लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले मंडल सम्मेलन व अन्य गतिविधियों को लेकर चर्चा की गई। एसटी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जहां वर्ष 1967 से असंभव कही जाने वाली गिरिपार के हाटी समुदाय की शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की मांग को पूरा किया, वहीं कांग्रेस ने हमेशा इसमें रोड़े अटकाने का काम किया। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य में अपनी सरकार होने के दौरान शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की मांग पूरी न करने वाली कांग्रेस ने पिछले साल 4 अगस्त को महामहिम राष्ट्रपति अथवा भारत सरकार द्वारा हाटी समुदाय को जनजाति दर्जे संबंधी अधिसूचना जारी किए जाने के बाद भी राज्य में कानून को लागू करने में लगातार अड़ंगे लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार गिरिपार के मुद्दे पर कांग्रेस ने जातिवाद की खाई पैदा करने की कोशिश की और हाटी समुदाय का हक रोकने के लिए लगातार कांग्रेस नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। उन्होंने कहा कि हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा में अड़ंगा लगाने व उनके एसटी संबंधी बेनिफिट रोकने वाली कांग्रेस को अब अगले लोकसभा इलेक्शन में जनता जवाब देगी। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा हाटियों के हक छीनने की कोशिश करने वाली कांग्रेस को पार्लियामेंट इलेक्शन में जवाब देने के लिए भी गिरिपार व रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र की जनता से आग्रह करेगा। तो आज पहली बार अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष के नाते जिला सिरमौर में मेरा प्रवास हुआ है, क्योंकि सिरमौर के हाटी के लोगों को जब से अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है उसके बाद हमारा संगठनात्मक ढांचा यहाँ पे बना है। एक बहुत अच्छी बैठक हमारी यहाँ पे हुई है। हम लोग अपने जनजाति समाज के लोगों पर, जितने हमारे एसटी बहुल बूथ है, उन सब बूथों में महाजनसंपर्क अभियान बहुत शीघ्र चलाने वाले हैं, जिसको लेकर आज हमने बैठक की है। और सभी मंडलों में जहां जहां हमारा जनजाति समाज है उनके हम एक बड़े सम्मेलन करने वाले हैं। सब लोग जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जनजाति समाज का बहुत उत्थान हुआ है और कई प्रकार की योजनाएं, कई प्रकार के कार्यक्रम आदरणीय मोदी जी ने जो है वो जनजाति समाज के उत्थान के लिए चलाए हैं। इसी तरह आज सिरमौर की दृष्टि से बात की जाए तो हाटी समुदाय को जो पिछले 5-6 दशकों से एक लंबित मांग लोगों की थी कि समाज के क्षेत्रों को, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों को, पिछड़े लोगों को जनजाति समाज का दर्जा दिया जाए, और पिछली हमारे आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में और सिरमौर के हमारे सभी स्थानीय नेताओं के लगातार संघर्ष के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने इस बिल पर मोहर लगाई है और अभी जो संवैधानिक रूप से दर्जा जो है वो जनजातीय समाज का दर्जा जो है वो हाटी समुदाय को मिला है। लेकिन पिछले 1 साल से देख रहे हैं प्रदेश की सरकार जो है वो पूरे हमारे हाटी वासियों के साथ, इस समुदाय के साथ भेदभाव कर रही है। कांग्रेस की रीति नीति यही रही है, जातियों में बांटना, जातियों में तोड़ना, और इस दृष्टि से जो प्रयास कांग्रेस कर रही है वो ज्यादा लंबे समय तक तो चलने वाले नहीं है। लेकिन इस समाज को इस बात का तो जानकारी अवश्य हुई है कि कांग्रेस की क्या मंशा है, और इसको लेकर हाटी समुदाय जो है वो बिल्कुल एकजुट है, जिसका परिणाम आगामी लोकसभा चुनाव में दिखने वाला है। और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से पूरा हाटी समुदाय, पूरा जनजातीय समाज हिमाचल प्रदेश का आदरणीय मोदी जी के साथ है। इसी दृष्टि से आज सिरमौर के प्रवास में मेरा आना हुआ है और मैं यही कह सकता हूं कि आने वाले समय में हमारा जनजाति महासंपर्क अभियान और जनजाति सम्मेलन की दृष्टि से हमारे आगामी कार्यक्रम होने वाले हैं। धन्यवाद। 8/2/2024 को भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की रेणुका मंडल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के मुख्य अतिथि और मार्गदर्शक हिमाचल प्रदेश के एसटी मोर्चा के अध्यक्ष अनिल ढकोग जी, उपाध्यक्ष
प्रदीप सिंहता जी, मीडिया प्रभारी गगन ठाकुर जी, जिला के अध्यक्ष श्री राजेंद्र ठाकुर जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। और आगे की जो रणनीति है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ने जो हमें बताया है, हमारा मार्गदर्शन किया है, उनमें तीन प्रमुख हमारे अभियान रहेंगे। पहला कि जनजाति राष्ट्रवेशन आयोजन, नंबर दो पर जनजातीय महा जनसंपर्क अभियान, और तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य रहेगा वो रहेगा जनजातीय सामाजिक सम्मेलन, जो कि मंडल स्तर पर और बूथ स्तर पर आयोजित किया जाएगा। उनके दिशा निर्देश अनुसार हम सभी पदाधिकारियों का ये पूरा प्रयास रहेगा कि जो ये हमें उन्होंने आदेश जारी किए हैं, इसकी हम निष्ठा से अनुपालना करेंगे और इन तीनों अभियानों को सफल बनाएंगे। भारत माता की जय। एसटी मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसटी मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद।